नमस्कार अर्गस सुपरफास्ट को स्वागत करछि मु कमलाकांत नजर पकाइबा कोन रहिछि आजर खबर मन की बात रे कलाहांडी रे कथा कहिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलाहांडी रा पतात साहू डेढ़ एकर जमीन औषधीय प्लांट लगाइछन्ते। ए औषधीय प्लांट द्वारा अनेक दुरारोग्य रोग भल हो पारुछि जहाकु नेके पकायत साहू को उद्यम को प्रेरणार उत्स कहते प्रधानमंत्री औषधीय प्लांट को प्रोत्साहन देवा आयुष मंत्रालय कार्य कर मोदी कहते पता साहू औषधीय प्लांट को नहीं डॉक्यूमेंटेशन कर। हमारे देश में पारंपरिक रूप से ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जो वेलनेस यानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ओडिशा के कालाहांडी के नांदोल में रहने वाले पतायत साहू जी एक क्षेत्र में बरसों से एक अनोखा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 1.5 एकड़ जमीन पर मेडिसिनल प्लांट लगाए हैं। यही नहीं, साहू जी ने इन मेडिसिनल प्लांट्स को डॉक्यूमेंटेशन भी किया है। आज आरंभ हो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन दिन 11 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से यार शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह कार्यक्रम में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया उपस्थित रहिबे बोली सूचना मिली। 2020 स्वाधीनता दिवस अवसर में प्रधानमंत्री यह घोषणा करथिया बेले आज यह समग्र देश में कार्यकारी हेबो। एने पूर्वरु आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक आगुआ प्रकल्प भाव में 6 केन्द्र शासित अंचल कार्यकारी होती। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन केन्द्र सरकार को आउ एक नुआ प्रयास जहां हिताधिकारी को विभिन्न प्रकार डाटा सूचना भित्तिभूमि सेवा जोगाइबो। एहा डिजिटल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था मध्य इंटरनेट जोगे सबु सुविधा जोगाई पार तबे केन्द्र सरकार को यह नुआ पदक्षेप देशर स्वास्थ्य भित्तिभूमि क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन आणिबो बोली आशा रखा जाउछि। आसंता 30 तारीख में पिपिली उपनिर्वाचन अनुष्ठित होगा बेले आज प्रचार शेष दिन निर्वाचन आचरण विधि नियम अनुजाई आज संध्यारु प्रचार शेष हेबो बोली तबे बात्या गुलाब प्रभाव में रविवार वर्षा होइथिले मध्य पिपिली प्रचार जोरसोर चलता देखा मिलता। तीन प्रमुख दल बीजेपी बीजेडी कांग्रेस पक्षर वरिष्ठ नेता माने घर घर बुली प्रचार कर सहित प्रार्थी मानक भोट भिक्षा कर आज शेष दिन होता बेले प्रचार मैदान में बेस चलचंचल हेबो बोली आशा करा जाउछि। निर्माणाधीन नुआ संसद भवन बुली देखिले प्रधानमंत्री। रविवार राति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुआ संसद भवन निर्माण कार्य बुली देखा सहित यार अग्रगति संपर्क में समीक्षा करते एसत निर्माण कार्य संपृक्त अधिकारी सहित प्रधानमंत्री आलोचना कर देखा मिली। यह नुआ संसद भवन सेंट्रल भिस्टा प्रकल्प एक अंश आसंता वर्ष जून मस आड़क यह नुआ संसद भवन निर्माण संपूर्ण होने लक्ष्य रखा बेले जोरसोर निर्माण कार्य चालू रही। अन्यपक्ष उपनिर्वाचन प्रचार शेष दिन पूर्व पुणि थे पिपिली अशांत हो उठी। रविवार मध्यरात्रि किसी दुर्बृत्त सातशंखस्थित बीजेपी अस्थायी निर्वाचन कार्यालय उपरे बोमा माड़ कर अभियोग पूर्व अनेक बार बीजेपी कर्मकर्ता उपरे आक्रमण होता बेले गतकाली जदि देखा अस्थायी निर्वाचन कार्यालय उपरको बोमा माड़ होता जहाँक नहीं पिपिली आईन श्रृंखला परिस्थिति बिगड़े आभास मिले। सामुद्रिक बात्या गुलाबर प्रभाव में आंध्रप्रदेश कलिंगपट्टनम ठारे गुलाब लैंडफॉल कर पवन तीव्रता रही 90-100 किलोमीटर प्रति घंटा एवं आकलन कराइला जहाँ कलिंगपट्टनम और श्रीकाकुलम को संजोग कर मुख्य रास्ता विच्छिन्न हो जाता यार प्रभाव में जहाँक नहीं घटनास्थान अधिक सूचना देखते आम प्रतिनिधि मनोज दास। से सब गुड़ाक बर्तमान जो रेस्क्यू टीम रही फॉरेस्ट विभाग रही ओडीआरएफ रही एनडीआरएफ रही द्वारा मेसीन जेसीबी मेसीन एवं कटर द्वारा से सब कु अलग रास्ता को सफा करा जो इतार कर्मचारी मैंने अच्छे पचार कि सरकार को ये जो सब रही कमी रही भैया कल जो बारिश हुआ था यहाँ पर तो बारिश के प्रभाव से कितना कितना नुकसान हुआ इस एरिया में यहाँ पर नुकसान कितने कितने हुआ है। भारी करंट करंट विषय में बाग डैमेज रोड चटल पड़पाई मत चला प्रभु दीन बारिश रात को पूरा ज्यादा बारिश है ना वो ज्यादा हवा आता है वो बिल्कुल वो बिजली चलता है
बिल्कुल कितने रास्ता ब्लॉक हुआ है, कितने एरिया में पेड़ गिरा है, कितने एरिया है मेरे को वो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 12 10 किलोमीटर पूरा रास्ता बंद करेगा। अभी उसको क्लियर किया जा रहा है? हाँ, अभी ये प्रेसिडेंट वाला ना काम करे तो वो क्लियर है, वो मिनिस्टर धर्माना प्रसाद राव गारे वो काम करेगा। तो निश्चित भाव में आम सेठिकार जो प्रशासन कर्मचारी अच्छा सामने आलोचना करते कि लगातार जो 30-35 किलोमीटर संजय करुच्ची कलिंगपाटनम जो बेलभूमि और श्रीकाकुलम रास्ता रही से रास्ता जो लगातार गछपत्र पड़ी जो ब्लॉक होकर रही है अवरोध हो रही है बर्तमान प्रशासन तरफ ताकू सीधा सफा सुतरा कर जयपुर कैमेरा पर्सन संतोष सहित मनोज दास अर्गस न्यूज। राउरकेला सिविल टाउनशिप रु शनिवार रात दुर्वृत्त मैंने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को चोरी कर नहीं। सिविल टाउनशिप R28 घर सम्मुखर यह गाड़ी चोरी हो घरे सिंह ट्रेडिंग ऑफिस रही व्यवसाय प्रतिष्ठान पार्टनर रितेश सिंह जदि देखा स्कॉर्पियो राति में जाता बेले राउरकेला पहुंची थे और व्यावसायिक कम से आसी कार्यालय R28 रोते राति गाड़ी राति में घर सम्मुखें रही है और प्राय राति तीनटा बेले एक कार चोर मैंने आसते पर गाड़ी को चोरी कर नहीं अभोग आस बणाई उपखंड में के बलांग थाना 4 वर्षर शिशुपुत्र साप कामुड़े मृत्यु होती। महिषी छपल गाँवर अमृत ओराम 4 वर्षर पुओ घर चट्टान शोवा बेले कौन से एक विषाक्त साप कामुड़े गुरुतर होता बेले आंबुलांस जगे तुरंत लहुणीपड़ा चिकित्सा कणा जाता सेठे डाक्टर मृत घोषणा करते पर लोके थाना अभियोग करने के थानाधिकारी आसते विकास रंजन स्वाई घटनास्थल तदंत करने सहित एक अपमृत्यु मामला रुजु करने सह शव व्यवच्छेद पर वर्ग को शव हस्तांतर कर रायगढ़ जिला पद्मपुर पुलिस को गंजे चोरा चालाण रोकवे मिली बड़ सफलता। पद्मपुर पुलिस और केन्दुगुड़ा पुलिस पेट्रोलिंग कर समय केन्दुगुड़ा फांडी निकट एक ट्रक को केन्दुगुड़ा फांडी अधिकारी किशोर चंद्र बेहरा और पद्मपुर थाना अधिकारी विश्वरंजन दास जबत कर थाना को आनी जबत गंजे पद्मपुर ब्लॉक नुआगढ़ गांव रायपुर चोरा चालाण होता समय पुलिस यह काबू कर ट्रक रेमोट 1008 kg गंजे रही जबत गंजेर आनुमानिक मूल्य 1,80,000 टंका हेबो बोली पद्मपुर थाना अधिकारी विश्वरंजन दास सूचना देते। वैन रिटेलर निजुक्ति बातिल दुर्नीति कार्यकारी करिपारे सहायक थिबा कर्मचारी विरोध में भिजिलांस तदंत दाबी करी नीलगिरी बाउंश बणिया खाद्य सुरक्षा मंच पक्ष नीलगिरी उपजिलापा कार्यालय परिसर में 3 दिन धरी दिवरात्र गण धरना देखते वरिष्ठ नेता निरंजन बारिकों नेतृत्व में शताधिक हिताधिकारी अनिर्दिष्ट काल दिवरात्र धारण में बसी राज्य सरकार 5T नियम को एटी खोलाखोली उल्लंघन करा एने संपुक्त अच्छा से विरोध में कार्यानुष्ठान नेवाई से दावी कर। पुरीर ना परिवर्तन कर श्री जगन्नाथ धाम पुरी रखापी केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को स्मारक पत्र श्री जगन्नाथ सेनार आवाहक प्रियदर्शन पटनायक। कलाहांडी जिला गोलमुंडा ब्लॉक दशपुर गांव में एक अभावनीय घटना देखा मिली विद्युत संस्पर्श में आसी जड़े व्यक्ति मृत्यु होता बेले पुलिस एक अपमृत्यु मामला रुजु कर घटनार तदंत कर। कलाहांडी जिला गोलमुंडा ब्लॉक दशपुर गांव घनश्याम मेहर देखा निजर टायर दुकान को जी बोर्ड स्विच जो मारी विद्युत संस्पर्श आसते हटात तले पड़े तेबे ग्रामवासी माने उद्धार करते 108 आंबुलांस धर्मगढ़ उपखंड डाक्टरखाना भर्ती करते कि सेठे डाक्टर तांकु मृत घोषणा करते। समिति सभ्य दीपक नारे हत्या घटना पत्थर खणी व्यवसायी थिबा घनिष्ठ सहयोगी हत्या करछन्ति बोली ढेंकानाल एसपी सूचना देछन्ति। हत्या घटना रे 2टी देशी बंदूक और कार सह 4 जन को गिरफ्त करछि तुमुसिंग पुलिस और पंचायत समिति सभ्य दीपक को हत्या घटनारे 4 जन हत्याकारी भावे पुलिस गिरफ्त करी। गिरफ्त माने हेले मृत समिति सभ्य दीपक घनिष्ठ सहयोगी तुमुसिंगा थाना ढंका गाँवर नीर साहू कांति गाँवर प्रकाश साहू कटक गुड़ीझाटिया थाना अंतर्गत दंपतिपुर गाँवर दीपू एवं गार्गी क्षमा कर
चार जन मेन अक्यूज मान वे सीमान से धरा पड़े सीमान धरती और वेपन ऑफ ऑफेंस दुईटा गोटे डबल बैरल और सिंगल बैरल दुईटा गन यूज कराए अनुगुल जिला छेंडीपदा ब्लॉक जरापड़ा शाखा ओडिशा मोटर चालक संघ विभिन्न दाबी पाई राज्यस्तरीय बैठक करिछि। सुरक्षा आईन भत्ता सह विभिन्न दाबी को राज्य सरकार को प्रत्येक चालक डाक माध्यम चिठी पठाइबा को शुभारंभ करने सह संघर राज्यस्तरीय सदस्य माने आलोचना करते। अन्यपक्ष सबू समस्या नहीं राज्य सरकार दाबीपत्र समस्या समाधान पर स्टेरिंग छाड़ आंदोलन अपणाइबा को समग्र चालक सहयोग करिवे बोली प्रवक्ता कहते। ओडिशा मोटर चालक संघ एक राज्यस्तरीय ड्राइवर मानकर संगठन वर्तमान यही संगठन सारा ओडिशा रे 200 रु अधिक संघ शाखा मान गठन कर सारी प्रत्येक ड्राइवर मानक सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण आईन गठन करने राज्य विधानसभा रे प्रस्ताव आगत करने आम राज्य सरकार को एवं समस्त विधायक मानक निकट रे दाबी पत्र मान उपस्थापन कर यार परवर्ती पदक्षेप भाव आम प्रत्येक ड्राइवर जो सदस्य माने अच्छा जो माने सदस्य होना समस्त द्वारा पोस्टकार्ड मध्यम आम देशर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी महोदय एवं ओडिशार मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक निकट को दुई गोटी पोस्टकार्ड पठाइबू एवं ड्राइवर मानकर सामाजिक सुरक्षा पाई ड्राइवर कल्याण आईन विधानसभा रे आगत करी यहाँ पारित करी कल्याण पांठी गठन करने ओडिशा मोटर चालक संघ दाबी कर जेन्थर लगे राज्य ओडिशा मोटर चालक संघ राज्य कमिटी सप्तम कार्यकारिणी बैठक डाकी आमर राज्य समस्त ड्राइवर भाई मैंने उपस्थित रहीबु आउ मत दिहब से मत जदि गुरुत्व है आगामी दिन में सारा ओडिशा राज्य को अनिर्दिष्ट काल पई आम बंद डाकरा देबु जदि बंद डाकरा देबु सही बंद जदि हुए सेते पई राज्य सरकार दही रहिबे। एसएमओ ग्रामीण जल जोगाण कर्मचारी महासंघर धारणा एसएम कर्मचारी माने 2000 टंका भत्तारे दिन को 8 घंटा रु अधिक समय काम करछंती। राज्य सरकार यहाँ पार्ट टाइम चाकरी कही कर्मचारी को ठकुछंती। रेगुलर कराजिबा सहित मासक 25,000 टंका वेतन करिबा दाबी होछि। समान काम को समान दरमा दिया जाउ जदि कार्य करथवा समय रे कोनोसी कर्मचारी कर मृत्यु हुए तबे 20 लाख टंका क्षतिपूरण सहित उक्त परिवार जने सदस्य को सही संस्था रे चाकरी मिलु। जे पर्यंत आमर दाबी पूरण न होछि से पर्यंत आमे काम बंद करी अहरह एठारे धाना देबु बोली संघ पक्षरु चेतावनी दिया जायछि। ओवरहेड टांकी को पानी उठे पानी परिचालना करी थाउ एवं नलकूप सजाड़ी थाउ आम को सरकार बारंबार द्वारस्थ हेलापर सरकार पार्ट टाइम जॉब कहूबार ए महासंघ घोर निंदा करूँगी जेपर्यंत आम को एसीएम जल जोगाण कर्मचारी मान्यता न मिली से पर्यंत आम लॉयर पीएमजी गांधी मार्ग छाड़ी आम कड़े जीवु ना। पदारपड़ा बीजेडी गोष्ठी कंदल स्थानीय म्युनिसिपालिटी टाउन हॉल अनुष्ठित बीजेडी केन्द्रापड़ा निर्वाचन मंडली परिवर्धित कार्यकारिणी बैठक में केन्द्रापड़ा जिला दायित्व पर्यवेक्षक देवाशीष सामंतराय और केन्द्रापड़ा विधायक उपस्थित दलर कर्मी होहल्ला कर देखा मिलता। केन्द्रापड़ा निर्वाचन मंडल में विधायकों अपेक्षा पुओंर प्रत्येक योजना और कार्यक्रम सक्रियता निर्वाचन मंडल में बेस चर्चार विषय पलटिता बेले केन्द्रापड़ा बाप पुओ सरकार चली और कर्मी अणदेखा करवाक्षकों अभोग करमी आज आम कार्यकारिणी बैठक प्रमुख भूमिका था सांगठनिक स्थिति एवं आसंता पंचायत निर्वाचन जिला परिषद जोन निर्वाचन रे कोभली भाव केन्द्रापड़ा निर्वाचन मंडली विजु जनता दल भल फलाफल आणवे एवं संगठन भितर जो बेशृंखला रही कि मतांतर मनातर रही अर्ग सुपरफास्ट समय सर मतलब विदाय दिखाई नमस्कार।